नाउ द टॉपिक इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सो सी व्हाट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच in which the responsibilities, it is that organization in which responsibilities responsibilities authority and mutual relationship where the responsibility, authority and mutual relationship among all the employees are clearly defined. What does the formal organization means? Formal organization कौन सी organization होती है बेटा? औपचारिक संगठन कहते हैं हिंदी में से. मतलब formal organization वो organization होती है जिसके अंदर responsibilities, authorities, mutual relationship among all the employees who are working in an organization are clearly defined. मतलब किस व्यक्ति को क्या काम करना है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उसकी अथॉरिटी है, कितनी उसके पास पावर है टू टेक डिसीजन. व्हाट इज़ द म्यूचुअल रिलेशन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द वेरियस पीपल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमंग द वेरियस पीपल्स आर क्लियरली क्या होता है, डिफाइंड होता है, दैट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जैसे हमें अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, व्हाट आर अथॉरिटीज़, हमारे पास कितनी पावर है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेरियस पीपल्स. ठीक है, कौन हमारा सीनियर है, हु इज़ जूनियर टू अस. ठीक है, तो सबको अपना उसमें पता है, तो दैट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब आते हैं इसके फीचर्स. इसकी फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, इट हैज डिफाइंड रिलेशनशिप. इसके अंदर बेटा डिफाइंड किया हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही मेंशन होता है कि किस पर्सन का किसके साथ क्या रिलेशन है. ठीक है, कौन किसके नीचे काम कर रहा है, उसकी क्या अथॉरिटी है, तो किसने किसको रिपोर्ट करना है या किसको किसने जवाब देना है. तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये क्लियरली क्या होती हैं, डिफाइंड होती हैं. क्लियरली क्या है, इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाती. नेक्स्ट आ जाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसेस. कि जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसेसर्स. रूल्स बेटा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, जो फॉर्मल होती है, जो जानबूझकर बनाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर रूल्स एंड जो प्रोसेसर है उसके ऊपर वो बेस्ड होती है. अब हम स्कूल के आपके जो भी रूल्स है, दैट शुड बी फॉलोड बाय अस एंड स्ट्रिक्टली दे विल बी फॉलोड. इफ़ वी हैव टू डू वर्क, अगर हमें जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है एंड वी हैव टू बी स्टेबल देयर, तो उसके अंदर बेस्ड है कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दैट मस्ट बी फॉलोड, वो फॉलोड होने चाहिए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज,
Its basis is division of work. फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या किया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइड, इसमें डिवाइड किया जाता है और वेरियस डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है. बेटा डिपार्टमेंट तब तक नहीं बनेंगे जब तक क्या है, उनको डिवाइड नहीं किया जाता है. सो इसको डिवाइड करके क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, इट इज deliberately created. फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो deliberately क्रिएट की जाती है, यानी कि उसको जानबूझकर बनाया जाता है. ये impersonal होती है. It is impersonal. इम्पर्सनल इसलिए क्योंकि किसी भी पर्सन की जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जगह नहीं होती. आपका ये काम है, ठीक है, आपको भले ही अच्छा लगे या ना लगे, बट यू हैव टू डू इट. सो दैट इज़ वाई वी कंसिडर्ड इट एज इम्पर्सनल. एक व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं व्यक्ति की वो इसके अंदर नहीं होती हैं. नेक्स्ट इज, इट इज़ मोर स्टेबल. द सिक्स्थ पॉइंट इज, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, वो जल्दी से टूटती नहीं है. ठीक है, इसके अंदर जो चेंजेस हैं कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, उन्हें किया ही नहीं जा सकता है. दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल. अब आते हैं इसके एडवांटेजेस. एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसके एडवांटेजेस, क्या फायदा होगा. इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी को क्या है, इजीली फिक्स किया जा सकता है कि ये काम किसे करना है, किसकी जिम्मेदारी है, किस व्यक्ति ने इसका आंसर देना है. दैट इज इजीली बी प्रिपेयर्ड. उसे इजीली क्या है, प्रिपेयर किया जा सकता है. क्योंकि जिसका काम है वही क्या करेगा बेटा, आंसर देगा. तो किसी की भी पर्सन की जो अकाउंटेबिलिटी है इट इज इजीली टू फिक्स. नाउ सेकंड पॉइंट इज, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. वर्क की जो ओवरलैपिंग होती है, यानी कि एक ही काम को दो से तीन बार किया जाता है, यानी कि जो डुप्लीकेसी होती है वो मिनिमम होती है. क्लियर है कि जिसको काम दे दिया वो वंस एंड अ व्हाइल वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही हैज़ टू कंप्लीट इट. एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड आपने हेनरी फॉल्क के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि एक बार में एक व्यक्ति को एक ही सुपीरियर पर्सन से क्या है, ऑर्डर मिलना चाहिए. तो इसमें क्लियरली इजीली क्या है, फिक्स हो सकता है. स्केलर चेन होती है, बॉस है बॉस के नीचे, फिर वो उसके नीचे, तो इस तरह से एक फॉर्मल क्या है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई. तो इसके अंदर एक व्यक्ति को एक बार में एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना भी पॉसिबल है. इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ईजी टू सेट गोल्स. Easy to set goals. इसके अंदर बहुत आसान है किसी का गोल क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, ठीक है, गोल है ह्यूमन बींग्स का, मटेरियल का कितना यूज़ करना, तो ईजिली क्या है इसको बनाया जा सकता है, प्रिपेयर करके दिया जा सकता है पीपल्स को कि वॉट इज़ देयर टारगेट, उनका टारगेट क्या है, उन्हें कब तक उसे पूरा करना है. एंड द लास्ट इज स्टेबल. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल. जल्दी से टूटती नहीं है, ज़्यादातर क्या रहती है, स्टेबल रहती है. नाउ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके सारे के सारे बेनिफिट ही हैं, इसके फायदे ही हैं, बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो. इसकी जो लिमिटेशंस है उसमें सबसे पहला आता है डिले इन वर्क.
जो कार्य किया जाता है उसमें अननेसेसरी डिले होता है, क्यों? क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है, जो सुपीरियर है उससे पूछना पड़ता है, रूल्स से बंधा हुआ होता है, बाउंडेशंस होती है, क्यों? क्योंकि इसका आधार ही क्या है बेटा, रूल्स है और प्रोसेसर को फॉलो करना है। तो उसकी वजह से कई बार ये ऐसे बंध जाते हैं कि दैट दे कांट टेक डिसीजंस ऑन टाइम, और जब टाइम पर डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं तो अननेसेसरली क्या है, डिले होती है। सेकेंड इज लैक ऑफ इनिटेटिव्स, इनिटेटिव्स मतलब न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज। जैसा सुपीरियर ने काम बता दिया, जैसे ही क्या है मतलब इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है कि हम अपने विचारों से काम नहीं कर सकते, हमें जैसा ऑर्डर मिलता है वी हैव टू फॉलो दैट ओनली। तो यहाँ पर क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं उनके जो न्यू थॉट्स हैं, न्यू आइडियाज़ हैं आउट डूइंग अ वर्क, दैट आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। उनकी जो खुद की एक क्षमता होती है कि इस काम को हम इस तरह से करेंगे, दैट इज स्किल्ड, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। Now the third is mechanism of relations. Mechanization of relation. इसके अंदर सभी लोगों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो पहले से फिक्स्ड, तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई भी म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बात करे या एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करे, ठीक है। और इस तरह से सम अदर पीपल्स क्या करते हैं, उसकी नॉलेज नहीं होती है या उन्हें नहीं पता चलता है, तो उसकी वजह से उनके एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड, ठीक है। तो उनका जो थोड़ा नॉलेज जो अदर पीपल्स की है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसे क्या है एक्सप्लॉयट भी कई बार किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लोर नहीं हो पाता, सबको पता ही नहीं चलता इसका टैलेंट, कोई भी उसको यूज़ देखो बेटा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डाउट है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है CEO है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, उनके सब हेड्स हैं। तो ये जो मैंने बना दिया, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या काम करेगा, किसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, व्हाट दे हैव टू फॉलो, दीज आर डिसाइडेड बाय मी। तो ये डेलिबरेटली क्रिएट, क्योंकि मैंने जानबूझकर बनाई, ठीक है, ये इम्पर्सनल है, किसी की पर्सनल फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है इसके अंदर। स्टेबल भी है, क्योंकि एक बार जो पोस्ट हमने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा है, पोस्ट बनाने के बाद में वो स्टेबल रहती हैं, उनके अंदर बार बार जो चेंजेस हैं वो नहीं करने पड़ते हैं, एक काम जिसको दे दिया वो उसी को करेगा, सो दैट देयर विल बी नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होती है इसके अंदर। इजीली सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग जो गोल है दैट इज़ डिसाइडेड बाय अस, वो भी डिसाइड हो जाता है। अब सुपीरियर अब इससे इसको परमिशन, वो उससे ऊपर वाले परमिशन लेगा, तो इसलिए अननेसेसरी डिले होती है। अपने खुद के जो थॉट्स आइडियाज़ है जो मिडिल लेवल है वो कभी यूज़ नहीं कर सकता, दे हैव टू फॉलो द टॉप लेवल, टॉप लेवल ने जो बना दिया उसके अकॉर्डिंग इन्हें काम करना है, ठीक है। जो इसकी वजह से कि क्या हो जाता है, लास्ट एक पॉइंट आया है मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन, मतलब जो सुपीरियर है वो क्या कर सकता है, उसका जो सबॉर्डिनेट है उसके जो भी व्यूज़ हैं, जो भी क्या है थॉट्स हैं, दैट आर यूज्ड बाय द सुपीरियर, किसी को ये नहीं पता चलेगा दैट दीज आइडिया आइडियाज ऑफ सबॉर्डिनेट के आइडियाज़ हैं ये, बट सुपीरियर उसे एक्सप्लॉयट कर सकता है, उसको यूज़ भी कर सकता है।